नमस्कार दोस्तों, मैं एजियन किसान हेल्प चैनल से गुलशन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। टमाटर की नर्सरी के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, कैसे तैयार करेंगे, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले हेलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लें और प्रेस घंटी के बटन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलिए दोस्तों, अब ये टमाटर की नर्सरी पर आ गए हैं अपन। ये ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर तैयार कर दी हमने, बेड तैयार कर दिया है और उसके लिए हमने ये ज़मीन से ऊंचा बेड तैयार कर लिया है। अभी नाप कर बताएंगे। ये 1 मीटर की लकड़ी ली है हमने, 3.5 फीट की एक लकड़ी है, उसको 1 मीटर लंबाई, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर, लंबाई इसे 3 मीटर तक ले लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो को। देखो, इस तरीके से अपन चूना या फिर कोई भी चीज़ कलर डाल के इसका नाप ले लेंगे। अच्छे से इसका इस तरीके से नाप ले लिया। ये देखो, नर्सरी को अपने नाप लिया है, उसका नाप लेके फिर उसके पास जो भी मिट्टी है उसको हटा लेते हैं। अच्छे से ऐसे हटा लेंगे, मार्किंग हो गई है। मार्किंग के बाद ये करना है। देखो, चारों तरफ से अपन ने मिट्टी यहाँ से हटा ली है, अच्छे से दिख रहा है। चलो वीडियो को आगे बढ़ते हुए, अपने ये चूल्हे की जो राख होती है, जो लकड़ियाँ जल जाती है उसके बाद बच जाती है, उसको इसमें हम डाल देना है ताकि इससे क्या है कि ज़मीन में जो पोषक तत्व की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, खनिज लवण की। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ने के क्रम में जैसे अपने खाद लेना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद लिया हमने, ये केंचुओं के द्वारा निर्मित तैयार किया हुआ ये वर्मी कंपोस्ट का खाद है, उसको हम डालेंगे अंदर। ये वर्मी कंपोस्ट देसी खाद को अच्छे से इसमें डाल दिया है। ये खाद को अपने मिला दिया है, अभी इसमें उसको मिट्टी में मिक्स कर देना है इसी तरह के तरह से, हल्के हाथों से अपने मिट्टी में मिला देना है ताकि ज़्यादा नीचे भी नहीं जाए, थोड़ा ऊपर ही रहे। अब इसमें 10 ग्राम कार्बोफिरोन 4-8-3G का स्प्रे करेंगे ताकि इसमें जो दीमक और ये जो पत्ती मतलब जड़ गलन की जो बीमारी रोग आती है उसमें हिट नहीं आ सके। तो ये है कार्बोफिरोन 4-8-3G, ये कार्बोफ्यूरिन को हल्के हल्के हाथों से इसमें मिला देना है ताकि दीमक का प्रकोप ना आए। ये कार्बोफ्यूरिन अच्छे से पूरे में छाड़ दे रहे हैं। एक नर्सरी में 10 ग्राम कार्बोफ्यूरिन जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। इसी तरह हाथ में थैली पहनकर इसको नर्सरी बेड में पूरा अच्छे से मिला देना है ताकि इसमें दीमक का प्रकोप नहीं आ सके। इस तरीके से एक लकड़ी की सहायता से ऐसी लाइनें करनी है, इस तरीके से ऐसी लाइनें कर देनी है। लाइनें 2 से 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। लाइन को यहाँ से नीचे तक उतार देना है सीधा। ये पूरी लाइनें हो चुकी है, इसमें हम बीज का सोइंग करेंगे। लाइनिंग पूरी हो चुकी है, इसमें कम से कम 30 से 35 लाइनें आती हैं, कम से कम 30 से 35 लाइनें। ये बीज को, ये हमने बीज लिया है देव वैरायटी का, F1 ब्रीड का है, मतलब हाइब्रिड देव वैरायटी है टमाटर की। उसमें ये बीज को 2-2 इंच दूर रखना है, ये 2-2 इंच की दूरी पर है बीज स्विंग करेंगे इसी तरह 2-2 इंच की दूरी पर। हाँ, ये स्वयं इसी तरह 2-2 इंच की दूरी पर अपने बीज रखने हैं, इसी सारी लाइनों में से बीज रख देने हैं। तो ये एक तरीका है कि 2 जने उस साइड, 2 जने इस साइड, ताकि बीज तक आ सके।
ये एकदम सही तरीका है। ये बीज पूरे रख दिए गए हैं, इसमें सोइंग हो गए बीज, उसमें अच्छे से बीज सारे रख दिए गए हैं। अब इसी नाली में इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट, जो देसी खाद है अपनी, उसको भर देना है। ये खाद को इस तरह पूरा मिला देना है, इसमें पूरी नर्सरी को जो भी बीज रखे हैं उसके ऊपर ढक देना है। अब इसमें खाद पूरा डाल दिया है, इसके बाद अपने हल्के हाथों से उसके ऊपर, हल्के हाथों से बराबर प्लेन कर देना है, इसको सीधा कर देना है, सही कर देना है। ये पूरा प्लेन हो गया है, अब अपनी नर्सरी तैयार हो चुकी है। अब उसमें इसके ऊपर अपन बिछाएंगे घास, ताकि सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़े और थोड़ी गर्मी पैदा हो जाए नर्सरी में और बीज सोइंग अच्छे से हो जाए। इसी तरह नर्सरी के आगे क्रम में अपने इस तरह से अपने ऊपर घास फूस लगा देनी है, ताकि बीज आज आसानी से सोइंग हो जाए। अब ये घास फूस को 6 से 7 दिन में हटा देना है इसमें, ताकि बीज अच्छे अंकुरित हो जाए। इसी तरह पूरी पूरी नर्सरी में अच्छे से घास रख देनी है। इस तरह नर्सरी पूरी ढक दी है, इसमें मतलब उसके ऊपर ढक दी गई है, ये अच्छे से पूरे ढक दी गई है। अब इसमें पानी डालेंगे। अब इस पानी के अंदर एक ये साफ पाउडर होता है, फंगीसाइड, फंगीसाइड फंगस नहीं लगे उसके लिए यूज़ करते हैं, साफ करके होता है, कंपनी का है। उसमें 1 माचिस का खोका भर के, मतलब 2 माचिस के खोके 5 लीटर पानी में मिलाकर इसमें छाटना है, 2 खोके माचिस के। इसमें 10 ml, 5 लीटर पानी में 10 ml क्लोरोफायरीफोस, यह दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए दवाई डाली जाती है। 2 ढक्कन, 10 ml, बस हो गया। अब इसको एक लकड़ी के सहायता से उसमें मिला देना है। हुई दवाई को नर्सरी में छटना है। इसको इसमें है ना, सबसे पहले जारे के पानी से डालना है, जारे से, लेकिन जारा अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में इसी तरह हाथ से छाट देना है पानी, ताकि एक जगह पर ना पड़े। और ये हमारी टमाटर की नर्सरी तैयार हो गई है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जय जहिंद, जय भारत, जय किसान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, AGN किसान हेल्प। हाँ तो दोस्तों, ये टमाटर की नर्सरी तैयार हो गई है। अब इसमें क्या करना है कि अभी बारिश, सर्दी का समय है, रात को इसको ढक देना है। जैसे नेट है, हरी नेट है, या फिर या नेट नहीं मिले तो घर में जो पुरानी साड़ियाँ होती है उसको रात के अंदर, रात के टाइम में पैक कर देना है और दिन के टाइम में खुला छोड़ देना है। इसी तरीके से सुबह शाम पानी डालना है और 7 दिन बाद ये घास हटानी है। उसके बाद ये अपने 20 से 25 दिन में नर्सरी ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएगी। और आने वाले वीडियो में टमाटर की नर्सरी के पौधे भी दिखाऊंगा, ट्रांसप्लांट करने का तरीका एवं सारी जानकारी दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। नर्सरी करने वाले हैं हमारे प्रवीण, LRP BSc एग्रीकल्चर एंड AGN किसान हेल्प चैनल के ऑनर गुलशन कुमार मनात, BSc एग्रीकल्चर एंड वेटनरी, पशुधन सहायक। थैंक यू।